नमस्कार। बिहार के सियासत से जुड़ी इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पलटी मार दी है। नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़ दिया है। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव का साथ छोड़ दिया है। नीतीश कुमार अब महागठबंधन के घटक दल के नेता नहीं है। ये खबर इस वक्त हम ब्रेक कर रहे हैं और पूरी जानकारियां आपको बताएंगे विस्तार से कि बिहार के सियासत में आखिरकार कैसे ये घटनाक्रम हुआ और आगे क्या होने जा रहा है। तो देखिए, तमाम दलों ने अपने विधायकों को पटना बुलाया है, ये खबर तो आप जान रहे हैं। आप ये भी जान रहे हैं कि बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन इस बैठकों के दौर के बीच जो बड़ी खबर है वो ये है कि दिल्ली से जेपी नड्डा कल पटना पहुंच रहे हैं। ये बड़ी खबर है। 11:45 पर नीतीश कुमार राजभवन में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में एक बार फिर से, नौवीं बार नीतीश कुमार शपथ लेंगे। एनडीए के सरकार के वो मुखिया बनने जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है, लेकिन इस सियासी घटनाक्रम पर भी नजर डालना जरूरी है। नीतीश कुमार जिन्होंने 9 अगस्त 2022 में छोड़ा था एनडीए का साथ, जिन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए, वो नीतीश कुमार 2 साल भी नहीं हुए, 1.5 साल में ही पलट गए। नीतीश कुमार को लेकर बिहार नहीं बल्कि देश के सियासत में ये कहा जाता रहा है कि वो पलटू राम है। और नीतीश कुमार को पलटू राम किसने कहा यह भी सब जानते हैं। नीतीश कुमार को पलटू राम की संज्ञा आरजेडी ने दी, बीजेपी के नेताओं ने कहा, तेजस्वी ने भी कभी नीतीश को पलटू चाचा कहा था और अब नीतीश ने फिर से पलटी मार दी है। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, सियासत में सब कुछ जानते हैं। तेजस्वी यादव और आरजेडी को एक ओर से कह लीजिए कि बड़ा झटका नीतीश कुमार ने दिया है, क्योंकि सबसे बड़ी अगर घटनाक्रम पर गौर करें तो कल जिस तरीके से नीतीश ने तबादले किए, तेजस्वी और तेजस्वी के जो पार्टी के कोटे से मंत्री थे उन्हें इस बात के लिए कोई जानकारी नहीं दी गई थी। नीतीश कुमार ने तबादले कराए, इतना ही नहीं आरजेडी कोटे के मंत्रियों के पास फाइल रोकने का आदेश तक दे दिया, यानी कोई भी फाइल नहीं दी जाएगी। पटना से लेकर दिल्ली तक खेला होने की चर्चा चली। दिल्ली में बैठे जेपी नड्डा और अमित शाह पूरी स्क्रिप्टिंग कर रहे थे, लेकिन आपको बयान याद होंगे नीतीश कुमार के, जिस बयान में नीतीश कुमार ने कहा कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा। नीतीश कुमार चले गए फिर से भाजपा में 2017 के क्रम में, याद होगा आपको। नीतीश कुमार इस बार आए, उन्होंने कहा कि मुझे मरना पसंद है, मर जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। तो यह भी खबर इस वक्त हम ब्रेक कर रहे हैं, नीतीश कुमार फिर से भाजपा में जा रहे हैं। अपने बयानों से भी नीतीश ये कह लीजिए कि अब पलट गए हैं, मुकर चुके हैं, महागठबंधन बिहार में टूट चुका है। यह वो नीतीश कुमार है जिन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ बगावत के झंडे उठाए। यह वो नीतीश कुमार है जिन्होंने नरेंद्र मोदी को कुर्सी से उखाड़ फेंकने का ऐलान किया। ये वो नीतीश कुमार है जिन्होंने लालू प्रसाद को बड़ा भाई कहा। ये वो नीतीश कुमार है जिन्होंने तेजस्वी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलकर देश के तमाम विपक्षी दलों को एक मंच पर लाया, पटना से विपक्षी गठबंधन बनाने की कवायद शुरू की। तमाम विपक्षी दलों के नेता पटना भी पहुंचे, दिल्ली भी पहुंचे, कर्नाटका के बेंगलुरु भी पहुंचे, मुंबई के महाराष्ट्र भी पहुंचे। और अब नीतीश कुमार ही नहीं रहे महागठबंधन में, अब नीतीश कुमार ने ही उस डंडे को रख दिया है जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ लेकर वो घूम रहे थे। तो ऐसे में नीतीश कुमार ने पलटी मार ली है, बाजी पलट दी है। 10 बजे सुबह वो इस्तीफा देंगे राजभवन जाकर। 11:45 पर नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नीतीश कुमार इस बार एक बार फिर से एनडीए के साथ शपथ लेंगे, लेकिन आपको पुराने वक्त में ले चलना चाहते हैं। जब 2013 में अनाउंसमेंट हुई कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगी, नीतीश कुमार ने कहा कि मुझे नरेंद्र मोदी का चेहरा पसंद नहीं है। 2014 में लोकसभा के चुनाव हुए,
जेडीयू ने अकेले चुनाव लड़ा और 2 सीटें जेडीयू ने जीती। बीजेपी के खिलाफ तब भी नीतीश ने बगावत के झंडे उठाए थे। हार की जिम्मेवारी नीतीश कुमार ने ली, जीतन राम मांझी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। 15 में विधानसभा के चुनाव हुए तब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गठबंधन में शामिल हो गए। नीतीश कुमार ने तब 15 में महागठबंधन बनाकर बिहार में चुनाव लड़ा और बिहार में नीतीश कुमार ने प्रचंड बहुमत के साथ तब सरकार भी बनाई। नरेंद्र मोदी के 43 चुनावी जनसभा के बाद भी बिहार में भाजपा 53 सीटों पर सिमट गई। नीतीश कुमार तब किंग बने थे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही तब भी सरकार बनी थी। इसके बाद 2017 में तेजस्वी यादव पर जब आरोप लगे, जब तेजस्वी यादव पर मुकदमा हुआ तो भ्रष्टाचार से घिरे तेजस्वी यादव को छोड़ नीतीश ने बीजेपी के साथ जाने का फैसला लिया। लेकिन उससे पहले 15 में सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी नेताओं को दम्बर कोसा था। पूरे 2 साल नीतीश कुमार ने कोसा और उसके बाद नीतीश कुमार ने फिर से बीजेपी में जाने का फैसला लिया, वो एनडीए में चले गए। नीतीश कुमार इसके बाद 2022 में पलटी मारे, एनडीए छोड़कर नीतीश महागठबंधन में आ गए और 24 के जनवरी महीने में ही नीतीश कुमार ने बाजी पलट दी। नीतीश कुमार ने फिर से पलटी मार ली। बिहार में सरकार बदलने जा रहा है, सब कुछ तय माना जा रहा है। कल जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना पहुंच सकते हैं और बिहार में नए सरकार का गठन होगा। उस सरकार के भी मुखिया नीतीश कुमार ही होंगे। मतलब साफ है, 2015 से जब से नीतीश ने गद्दी संभाली, मांझी जी को छोड़े हुए 1 साल हुआ, 1 साल मांझी के ऊपर जिम्मेवारियां छोड़ी, बाकी नीतीश कुर्सी से चिपके रहे। और अब नीतीश कुमार ने इस्तीफा देने की भी प्लानिंग कर ली है, कल इस्तीफा देने जा रहे हैं और हम लगातार एक अपडेट आपको दे रहे हैं। धन्यवाद।